भाई जब रानी पद्मावती यानी कि दीपिका ने खुद ऐलान कर दिया था तो अलाउद्दीन खिलजी को तो आना ही था और ठीक वैसा ही हुआ। रणवीर सिंह ने खुद अपने सोशल हैंडल पर फिल्म में अपने लुक के दो पोस्टर्स को शेयर किया है। इन पोस्टर्स में रणवीर का अंदाज बेहद ही अलग और खतरनाक दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर उनका पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है, तो आप भी देखिए अलाउद्दीन खिलजी का जो वो पोस्टर जो आपके होश उड़ा देगा। जी हाँ, ये है अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें रणबीर सिंह का ये लुक देखकर यकीन किया जा सकता है कि खिलजी बनने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। और इसी के साथ स्वागत हुआ है इस साल के सबसे बड़े विलन का, एक ऐसा विलन जिसने अपने पहले ही लुक से लोगों का दिल चुरा लिया है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में रणबीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के रोल में नजर आने वाले हैं और उनका जो पहला पोस्टर जारी किया गया है उसे देखकर अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो गई है। खूंखार, डरावना, खतरनाक, शातिर और चालाक, कुछ ऐसा ही है अलाउद्दीन खिलजी का अंदाज जिसने आते ही सबके होश उड़ा दिए हैं। रणबीर सिंह के इस लुक के बारे में पद्मावती यानी कि दीपिका पादुकोण ने एक दिन पहले फैंस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि खिलजी आ रहे हैं। ऐसे में फैंस को बेसब्री से इंतजार था रणबीर के अलाउद्दीन खिलजी वाले लुक का, और जब से रणबीर का ये पोस्टर रिलीज हुआ है सोशल मीडिया पर छा गया है। फैंस ने तो ये तक कह दिया है कि मार ही डालोगे क्या। इसमें कोई शक नहीं है कि रणबीर अपनी एक्टिंग से इस किरदार में जान डाल देंगे। सोशल मीडिया पर फैंस लगातार ट्वीट करके रणबीर के पोस्टर की तारीफें कर रहे हैं। खास तौर पर हसीनाओं का तो हाल बुरा है, उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि क्यूट, लवी डवी और बेफिक्रे रणबीर सिंह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बनकर सबका दिल लूट लेंगे। खौफनाक और खूंखार रणबीर सिंह को साल 2017 का सबसे बड़ा विलन होने का खिताब दिया जा रहा है, वो भी उनकी फिल्म रिलीज होने से पहले, और ऐसा पहली बार हो रहा है। भाई इतना क्रेज इस विलन का वाकई शॉकिंग है। कहा जाता है कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती के सौंदर्य पर मोहित हो गया था, जबकि उसने सिर्फ रानी का प्रतिबिंब पानी में देखा था और उसे हासिल करने के लिए उसने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था, लेकिन रानी पद्मावती को वो हासिल नहीं कर पाया। कहा जाता है कि महाराजा रावल रतन सिंह के युद्ध में मारे जाने के बाद पद्मावती ने आग के कुएं में कूदकर जान दे दी थी, जिसे जौहर प्रथा कहा जाता है। बताया जा रहा है कि फिल्म पद्मावती की कहानी भी कुछ इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है। वहीं फिल्म की कहानी को लेकर लगातार विवाद घिरा हुआ है। ये फिल्म 1 दिसंबर को रिलीज होनी है। अब तो बस इंतजार कीजिए 1 दिसंबर का, जब ये पर्दे पर उतरेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि बाजीराव मस्तानी के बाद भंसाली भारतीय सिनेमा इतिहास को एक और मास्टरपीस देने की तैयारियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हाय, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वाचिंग IBC 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वाचिंग IBC 24। Keep watching. Hi guys, this is Nandish Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Suparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.